इस बीच एक और अहम जानकारी आपको बता दें, डीआईजी बलवान राणा पर लगे गंभीर आरोप। कारोबारी ने लगाए रिश्वत मांगने के आरोप, 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। कारोबारी ने हिसार रेंज के आईजी को इसकी शिकायत दी है। सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी को भी शिकायत दी गई है। तो डीआईजी बलवान राणा ने आरोपों से इनकार किया है। फंसाने की हो रही साजिश, डीआईजी ने साफ तौर पर सफाई देते हुए ये बात कही। डीआईजी बलवान राणा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी पूरी साजिश बताई है डीआईजी बलवान राणा ने। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कारोबारी ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, इसके साथ ही 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। हिसार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पे आरोप लगाए हैं और रिश्वत मांगने के, तो आईजी कार्यालय में वो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। उस पर आईजी साहब की तरफ से संबंधित अधिकारियों से कमेंट्स मांगे गए हैं। कारोबारी ने कोई इसमें रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, उसे कमेंट्स मांगे गए हैं और इस मामले में जो भी सच्चाई होगी, सच्चाई के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी साहब ने ही मेरे को बुलाया है कि साहब की बदली होने लग रही है और हमारे को इतने पैसे दे दो हैं और ये आपकी एफआईआर हम कर देंगे। तो मैंने कहा भाई एफआईआर के इतने इतने पैसे थोड़ी होते हैं, तो बदली के लिए आप मेरे से चाहे 1 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मैं ये इस तरह इसकी अमानत रहेगी, मैं आपको मेरे को वापस करने पड़ेंगे। बोला ना ना, ये तो वापस नहीं होते। बलवान राणा ने मेरे से बातचीत नहीं की, मैं खुद वहाँ पर गया था अपनी कंप्लेंट्स को लेके। तो बदतमीजी बहुत ज्यादा करते हैं। तो सुना आपने साफ तौर पर डीआईजी बलवान राणा को लेकर ये बात कही गई, पैसे की मांग की गई है। कारोबारी ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, इसके साथ ही 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है डीआईजी पर। कारोबारी ने हिसार रेंज के आईजी को इसकी शिकायत दी है। सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी को भी शिकायत भेजी है डीआईजी की। तो डीआईजी बलवान राणा ने आरोपों से इनकार किया है।